हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाग्यश्री गोस्वामी फ्रॉम हाइजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोरोक्वीन। आज हम क्लोरोक्वीन देखेंगे, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड बी फॉर्म सिक्स का पार्ट है। क्लोरोक्वीन हम सब जानते हैं कि ये एक एंटी मलेरियल ड्रग होती है, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है। मतलब बहुत ज़्यादा इस क्लोरोक्वीन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि क्लोरोक्वीन जो है वो सेफेस्ट ड्रग होती है। क्लोरोक्वीन फोर अमाइनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होते हैं। एक्चुअली एंटी मलेरियल जो ड्रग होती है उसको बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक क्लास है फोर अमाइनो क्विनोलिन। तो जो क्लोरोक्वीन है वो फोर अमाइनो क्विनोलिन का डेरिवेटिव है। हम सब मलेरिया में क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है वो अलग अलग स्टेजेस में काम करता है, जिसमें हमने पहले जो वीडियो थी उसमें हमने देखा है। तो जो क्लोरोक्वीन है वो इरिथ्रोसाइटिक फेज पे काम करता है। मतलब आरबी जो ब्लड से ब्लड में जब एंटर होता है तब के स्टेज पे काम करता है, और ये क्या करता है, साइडल है, मतलब ख़त्म कर देता है, किल कर देता है। तो इसलिए इसको इरिथ्रोसाइटिक फेज कहा गया है। ये ब्लड साइजेंटिसाइड्स जो फेज होती है उनमें ज़्यादातर काम करता है, इसलिए इसको ब्लड साइजेंटिसाइड कहा जाता है। मतलब ये किल कर देता है, इसलिए इसको साइडल कहा गया। इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्या जो प्लाज्मिडियम जो मतलब जैसे क्या किया कि एंटर हुआ ब्लड, ब्लड में प्लाज्मोडियम आया, वो प्लाज्मोडियम किसी का भी हो सकता है। तो जैसे क्या होता है कि वो आरबीसीज में पहुंचता है, ठीक है। आरबीसीज में हम जानते हैं कि जो आरबीसीज होती हैं वो हीमोग्लोबिन से मिलके बनी होती है। तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है, फूड वॉक्यूल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आरबीसीज को अपने फूड की तरह क्या लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो आरबीसीज रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, वो यूटिलाइज होता है मलेरियल पैरासाइट से, और वो कन्वर्ट हो जाता है हीम में। हीम जो है वो टॉक्सिक है मलेरिया पैरासाइट के लिए, लेकिन हीम क्या होता है वो हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक एंजाइम की उससे कन्वर्ट होगा, तो एंजाइम मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम हीम से हीमोजिन कन्वर्ट करने में। जो हीमोजिन जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है। नॉन टॉक्सिक होगा अगर प्लाज्मोडियम के लिए तो सही रहेगा। तो जो क्लोरोक्वीन होता है वो हीम से हीमोजेन के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको होने नहीं देता है, वो उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे जो पैरासाइट होता है मतलब आम भाषा में देखें तो उसको फूड ही नहीं मिल पाएगा और वो वहीं पे किल हो जाएगा। उसके बाद हम एससीआर की बात करें तो यहाँ पे जो नंबरिक हमने स्टार्ट करी है वो यहाँ पे एन से स्टार्ट करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8। 7 पोजीशन पे क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा, और यहाँ पे क्या है, एक मतलब क्विनोलिन रिंग हो रहेगी। तो हम जब यहाँ NHR की बात करें, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हमें करना है, डाई अल्काइल अमाइनो अल्काइल साइड चेन, तो हम इस पे पोजीशन पे देखते हैं। अगर हम देखते हैं फर्स्ट में, अगर 2 to 5 कार्बन एटम्स बिटवीन द नाइट्रोजन एटम्स, 2-4-diethylamine, 1-methylbutyl अमीन साइड चेन इज ऑप्टिमल फॉर एक्टिविटी एज इन क्लोरोक्वीन। जैसे हम इसमें क्लोरोक्वीन में हम बात करते हैं, अगर हम 2 से 5 कार्बन एटम्स ले रहे हैं और कोई भी नाइट्रोजन एटम मतलब हमने लिया, उसमें हमने चेन लगाई है क्लोरोक्वीन में 4-diethylamino, 1-methylbutylamino साइड चेन अगर हमने लगाई है, तो वहाँ पे जो क्लोरोक्वीन की एक्टिविटी रहेगी वो ऑप्टिमल रहेगी। द टर्शरी अमाइन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब जो टर्शरी अमाइन है वो एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेशन इन द साइड चेन वॉज डिटरमेंटल ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे अनसेचुरेशन होना चाहिए
कि मतलब अनसेचुरेशन हो रहा है साइड चेन का. सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्सी ऑन वन ऑफ द इथाइल ग्रुप इन टर्शरी एमाइन, दिस इज वन ऑफ द मेटाबोलाइट्स ऑफ क्लोरोफीन. कि मतलब अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम हाइड्रोक्सी ग्रुप का, ठीक है, अगर हमने इथाइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप का, किसमें, टर्शरी अमीन के अंदर, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाता है हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, जो कि हाइड्रोक्सी जो क्विनोलिन है वो क्या है, क्लोरोक्वीन का एक मेटाबोलाइट है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग इन द साइड चेन, एग्जाम्पल इन अमाइडोक्वीन, गिव्स अ कंपाउंड विथ रिड्यूस टॉक्सिसिटी. अगर हम एरोमेटिक रिंग लगा देते हैं साइड चेन पे, जैसे हम अमाइडोक्वीन में देखेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाएगी टॉक्सिसिटी, वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी. तो अब हम बात करते हैं आर1 पोजीशन की, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो इन्हीं तीन पोजीशन पे होना ज़्यादा. तो अगर हम आर1 की अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट दिस पोजीशन रिड्यूसेस एक्टिविटी. अगर हम मिथाइल ग्रुप का क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब जो एक्टिविटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी. अब हम सेवन पोजीशन की अगर हम बात करें, वहाँ पे सेवन पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप है. तो हम अगर सेवन पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा है, तो जो एक्टिविटी रहेगी वो सही रहेगी, एक ऑप्टिमल एक्टिविटी वहाँ पे क्या होगी, मतलब ऑप्टिमल एक्टिविटी शो होगी. तो ये क्लोरोक्विन की, हम फोर अमाइनो क्विनोलिन की बात करते हैं. अब स्टार पॉइंट है, डी आइसोमर ऑफ क्लोरोक्विन इज समवॉट लेस टॉक्सिक देन एल आइसोमर. जो डी आइसोमर्स होते हैं क्लोरोक्विन के, वो क्या होते हैं, कम टॉक्सिक होते हैं कंपैरिजन टू एल आइसोमर्स. डी और एल आइसोमर्स आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे. उसके बाद हम सिंथेसिस की यहाँ पे बात कर रहे हैं. जो तो क्लोरोक्विन की जो सिंथेसिस होती है, दो प्रोसेस में होती है, जिसकी फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ 4,7-डाइक्लोरो क्विनोलिन. ठीक है, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग मटेरियल बनाना पड़ेगा इसकी, मतलब दो फेजेस में हो रही है. तो सबसे फर्स्ट हमने देख ली सिंथेसिस, अगर हमें चाहिए 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन की, उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन विथ 1-डाइइथाइल अमीनो 4-अमाइनो पेंटेन. फिर हम क्या करेंगे, 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन जो है उसका कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे 1-डाइइथाइल अमीनो 4-अमीनो पेंटेन के साथ में. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ 4,7-डाइक्लोरोक्विनोलिन. इसमें जो हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे, वो हम लेंगे मेटा क्लोरो एनिलीन लेंगे. ठीक है, सबसे पहले क्लोरो मतलब एनिलीन ले लिया हमने, मतलब सिंपल बेंजीन और NH2 का सब्स्टिट्यूशन, और मेटा पोजीशन पे क्या लगाया, क्लोरीन लगाया है. ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, इथाइल ऑक्सिलो एसीटेट के साथ में. अगर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो H2 मतलब N के पास जो H2O है वो, और इथाइलो ऑक्सिलो एसीटेट का जो O है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. जब ये रिमूव होंगे तो वाटर रिमूवल हो गया. वाटर रिमूवल के बाद में हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, इथाइल एम क्लोरो फिनाइल इमिनो सक्सिनेट हमें मिल गया, हमें ये प्रोडक्ट मिला. अब ये प्रोडक्ट हमें जब मिला है, नॉर्मल है, एडिशन हो रहा है, जहाँ तुम देख रहे हो, आप लोग सब देख रहे हैं कि H2O का रिमूवल हो गया, और वहाँ पे क्या हो गया, N क्या हो गया, अटैच कर गया. फिर उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इस जो कंपाउंड है उसको हम हीट करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका क्या होगा, साइक्लाइजेशन करवाएंगे. जब हम साइक्लाइजेशन करवाएंगे तो क्या होगा, C2H5OH जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा इथाइल 7-क्लोरो 4-हाइड्रोक्सीक्विनोलीन 2-कार्बोक्सिलेट. मतलब सेवन पे तो सेवन पोजीशन पे क्लोरो है ही, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, और ये किस पे हो रहा है, क्विनोलीन पे हो रहा है, और सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया, कार्बोक्सिलेट ग्रुप आ गया. ठीक है, इसलिए हम इसको, इस कंपाउंड का हमने इस तरह से नेमिंग की. फिर उसके बाद में हम इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक
जो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया। अब हम इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन को क्या करेंगे, हीट कराएंगे। हीट कराएंगे तो क्या होगा, जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, वो क्या हो जाएगी, इवाप्रेट हो जाएगी, ठीक है। CO2 रिमूव हो गई, इवॉल्व हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे जो CO2 है वो क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो ये वाला होगा, मतलब रिमूवल हो गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, अब हमने इसकी रिएक्शन किसके कराई है, मतलब हमने क्लोरीनेशन कराया है। क्लोरीनेशन किसके साथ में, POCl3 में, ठीक है। POCl3 से हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, 4,7-dichloroquinoline मिल गया। 4,7-dichloroquinoline हमारा एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। अब हम इसकी दूसरा स्टेप देखेंगे रिएक्शन का। अब हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे 4,7-dichloroquinoline का 1-diethylamino-4-amino-pentane के साथ में। ये हमने कंडेंसेशन रिएक्शन कराई, कंडेंसेशन रिएक्शन सिंपल रिएक्शन। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे 4,7-dichloroquinoline हमने पहले हमने सिंथेसाइज किया था। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, 1-diethylamino-4-amino-pentane के साथ में, ठीक है। पेंटेन यहाँ पे क्या आ गए, 5 कार्बन चेन आ गए, और यहाँ पे हमने अमीनो अमीनो का सब्स्टिट्यूशन, डाइथाइल दो हमने क्या किया, एथाइल ग्रुप लगा दिया, इसलिए हम 1-diethylamino-4-amino-pentane। अब जब हमने इन दोनों के कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, HCl रिमूव होगा, कंडेंसेशन में सिंपल एडिशन, तो क्या होगा, हमें क्लोरोक्वीन मिल जाएगा, ठीक है, क्लोरोक्वीन हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।